छत्तीसगढ़ राज्य का 59,285.27 हेक्टेयर भूभाग वनों से आच्छादित है, जो प्रदेश के कुल भू क्षेत्रफल का 43.85% है। ऐसे में राज्य सरकार अब वनों को संरक्षित करने नए उपाय पर सोच विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ में वनों में लगे विभिन्न प्रजातियों के पौधों से राजस्व का एक भाग सरकार को मिलता है। यही कारण है कि पिछली सरकार ने भी वनों को संरक्षित करने के लिए कैंपा फंड पर बल दिया था। अब प्रदेश की वर्तमान सरकार को भी वन रोपण निधि के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को 5,791.71 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया है। इस फंड को वनों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए 1,086.91 करोड़ रुपए, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के लिए 24.49 करोड़ और एकीकृत वन्य प्राणी प्रबंधन योजना के लिए 302.76 करोड़ रुपये की राशि शामिल की गई है। इसके अलावा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के मद के अंतर्गत 3,749.63 करोड़ रुपए और ब्याज मद में 482.91 करोड़ रुपए की राशि शामिल की गई है। कैंपा निधि से कैंपा के नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण, वनों के विकास, वनों की उत्पादकता में वृद्धि और वन संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे। साथ ही राशि का उपयोग वन्य प्राणी प्रबंधन और संरक्षण, भू जल संरक्षण, जैव विविधता और जैव संसाधनों के प्रबंधन और अधोसंरचना विकास आदि के कार्यों में किया जाएगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर की माने तो कैंपा फंड से मिले रकम का उपयोग प्रदेश के वन्य क्षेत्रों को सुदृढ़ करने दिया जाएगा। वहीं नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी का कॉन्सेप्ट को भी लागू करते हुए वनों में बने सूखे स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार कर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाएगी ताकि ये जीव शहर की ओर रुख ना करें। इस तरह सुचारू रूप से कैंपा फंड का सदुपयोग किए जाने की बात मंत्री ने कही। देखो, कैंपा फंड में जो पैसा मिला है उसमें ज़्यादा प्राथमिकता है वानिकी कार्य, वन से संबंधित, वन के भीतर। और इसको जो मुख्यमंत्री जी की योजना है नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, तो नरवा जो है वन क्षेत्रों के भीतर, उसमें स्टॉप डैम और उसके जो नैसर्गिक स्रोत हैं उसको पुनर्जीवित करने का काम, बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण, नदी तट वृक्षारोपण, तो इस प्रकार जो भी वनों को और मजबूत करने के लिए, वनों को वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की व्यवस्था, तो ये पूरा काम वन के भीतर कैंपा के जरिए किया जाएगा। हाँ, अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। 7,13,00,000 लगाने का लक्ष्य है। नदी तट में 500 मीटर दोनों साइड में लगाने का लक्ष्य है और 5 नदियों को चिन्हित किया गया है। इंद्रावती है, खारून है, शिवनाथ है, संकरी है, अर्पा। तो ये काम तो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है अभी, और आने वाले समय में हम लोग ध्यान भी रखे हैं कि सही ढंग से वृक्षारोपण हो और ना केवल हो बल्कि वो सुरक्षित और संरक्षित भी रहे। प्रदेश में अब वृक्षारोपण का भी लक्ष्य राज्य सरकार ने तय कर लिया है, जिसमें 7,13,00,000 वृक्ष नदी के तटों पर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 5 नदियों को जोड़ा गया है। वन मंत्री ने कहा कि महज वृक्षों को रोपित करना ही नहीं बल्कि उसे संरक्षित करने पर भी बल दिया जा रहा है, जिससे वृक्षारोपण के लिए लाए गए पौधों को उपयोग में लाया जा सके, उसे सड़ने या कचरे में न फेंका जाए। साथ ही मंत्री ने कहा कि किसी आम जनता के द्वारा यदि अपने घरों में वृक्ष लगाने की मांग की जाती है तो उसे वन विभाग के द्वारा हरियाली प्रसार योजना के तहत घर पहुंच सेवा भी दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े। हरियाली प्रसार योजना में इस बार एक नया प्रयोग वन विभाग ने किया है। यदि आप मोबाइल के जरिए सूचित करेंगे तो आपके घर में पौधा पहुँचाने का काम वन विभाग ने किया है। लिहाजा छत्तीसगढ़ में वन आच्छादित क्षेत्रों को और अधिक बढ़ावा देने अब राज्य सरकार ने कमर कस लिया है। अब देखना है कि सरकार की कथनी और करनी में समानता दिखाई देती है या फिर वही ढाक के तीन पार। देश टीवी के लिए स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।